ओके तो भाई लोग सॉरी शायद मुझे अपने वाला डायलॉग बोल ही लेना चाहिए। सो हे व्हाट्सअप यू ऑल गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दिस इज़ ए पी आर्मी पंकज एंड स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पे यार आज कुछ चलो बी आर रैंक में ही चलते हैं, कुछ और तो खेलने का बन नहीं है। 74 लेवल हो चुका है मेरी आईडी का और यहाँ पे 23,455 लाइक हैं, जल्दी ही 24,000 हो ही जाएंगे। ठीक है तो चलते हैं बीआर रैंक में। सभी कुछ मेरा सही है, फैलकॉन भी मैंने लगा लिया है, सब कुछ करेक्टर स्किल्स वगैरह ले लिए। अभी चलते हैं, देखते हैं लॉबी वगैरह कैसी आई है। हो वाह 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 वाह, अरे ये मेरी ना थोड़ी कस्टम एच यू डी का क्या हो गया, ये तो चेंज करनी पड़ेगी भाई कस्टम एच यू डी, ये कैसे होगी? अरे डिफॉल्ट वाला सीन है। ठीक है कस्टम एच यू डी ओके है। अभी आ चुके हैं प्लेन में, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे भुया निकालने की। भुया भी नहीं तो 7-8 किल तो निकालने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि हीरोइक की लॉबी है भाई और हीरोइक में जब तक 4-5 किल ना करो तो प्लस नहीं मिलता है। ऐसे हुआ मैंने सोलो और स्क्वाड में जाता हूँ, अगर बाई चांस स्टार्टिंग में उतरते ही एक पूरी स्क्वाड को फिनिश कर देता हूँ। छः सात किल किए फिर भी मर गया, फर्स्ट जोन था क्योंकि मर गया था तो भी माइनस लग गया मेरा, 6-7 किल पे भी माइनस लग जाता है। तो अपनी मेन चीज़ है कि अपने को सर्वाइव करना चाहिए। ऑब्जर्वेटरी में ब्लू जोन बन रहा है तो कोटिलिस्वा से होते हुए ऑब्जर्वेटरी जाना पड़ेगा, बट मैं कोटिलिस्वा भी नहीं पहुँच पाया लेट लैंडिंग की वजह से, पहले लैंडिंग कर लिया बहुत, मतलब कि फैलकॉन ने इतना साथ नहीं दिया जितना मैं समझ रहा था। एक बंदा और आ रहा है, ये भी शायद ऑब्जर्वेटरी जाने की कोशिश कर रहा है। अरे मक्के के हाथों चढ़ जा यार, मैं फिस्ट की स्किन नहीं लगा गया था क्योंकि शोर करता है वो, फों 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 फों, फिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं। चलो अपन लोग ऑब्जर्वेटरी चल पड़ते हैं क्योंकि अभी फ़ाइट लेने का कोई वो नहीं, मेरा मोड नहीं है। वैसे वो सर्वाइवल टाइम चल रहा था सोलो में, अगर आप खेलते हो तो मिल जाता है लाइक एक बार रिवाइव मिलता है ना सोलो में खेलने से, शायद वो लॉन्च पैड लेके आएगा यहाँ से। करते हैं थोड़ा वेट, अगर आ जाए तो बढ़िया है, अपन लोग मार देंगे उसको। चलो AK-47 और MP5 मिल चुके हैं, अभी करते हैं बंदे का वेट और आ जा भाई। अरे कोई गाड़ी वाड़ी लेके आया है क्या? आवाज़ आ रही है मुझे, कोई तो यहाँ पे आया है वो भी गाड़ी लेके। देखो सामने गाड़ी गाड़ी मतलब बाइक से आया है। गला थोड़ा सा ख़राब हो रखा, कहाँ पे बंदा? ये रहा वही बंदा है ना शायद, कॉपी हेडशॉट गया भाई। किससे पंगा ले रहा तू भी? गलत बात है, ऐसे पंगा नहीं लेना चाहिए यार। चलो अभी आराम से इजी पीजी लूट कर लेते हैं, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा ना वो बंदा यहाँ पे नहीं आएगा दोबारा, क्योंकि इतना गंदा उसको मारा है, अगर दोबारा भी यहीं आएगा तो भाई बेवकूफ़ी होगा मुझे मार खाने। एक और अपग्रेड चिप सामने पड़ी है उसको ले लेते हैं। ओके पर क्या कुछ माल पड़ा है, लो ये बंदा ना सच में पागल ही है, दोबारा से यहाँ पे वो मार खाने, बेचारे का माइनस लग गया यार। सॉरी भाई, सॉरी यार, सॉरी माइनस लग गया तेरा, आई एम सो सॉरी, बट क्या करें हम भी गेम खेल ही रहे हैं, अगर मैं नहीं मारता तो तू मुझे मार देता। तो चलो अभी यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक ही बंदा आया था, दो बार आया था, उसको हम लोगों ने मार दिया है। और अभी जोन ले लेते हैं क्योंकि जोन बन रहा है बहुत दूर में, तो हम लोगों को जोन कवर करना भी ज़रूरी है। बाय द वे गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना आगे भी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो अभी मेरे पास कॉइन्स भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ से मैं कुछ डब्बा होता है ना यहाँ पे होता तो था भाई, कहाँ है? हाँ है, इस डब्बे से मैं कुछ ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा मुझे भाई साहब। 3,000 कॉइन है मेरे पास, 3,000 FF टोकन। ओके हॉर्ज लाइन मिल गया, सुपर मेडी मिल गई, लेवल 4 वेस्ट भी मिल गया शायद, हाँ लेवल 4 वेस्ट मिल गया और कॉइन्स भी मिल गए बहुत सारे, पैन मिल गया। पैन सही रहता है यार, मतलब कि भागने वागने में भी ठीक है, इससे आगे की तरफ झुकता नहीं, हेडशॉट भी नहीं पड़ता सामने से, और अगर आपके हाथ में गन है तो पीछे से पिछवाड़ा भी बचा लेता है। मुझे ब्रिज के ऊपर बंदा लग रहा है, सामने की पेटी उन लोगों ने खोली है तो सामने की पेटी लूट करने के लिए कोई ना कोई बंदा है। देखो सामने एक बंदा है, उसको मैं मारता हूँ। अरे पीछे से कोई मार रहा है भाई, स्कोप भी चाहिए मेरे को, ग्लू वॉल लग जाए यार, अटकता बहुत यार ऐसे टाइम पे अटक जाता है।
ओए भाई हर जगह से दौड़ रहे हैं। आ गया एक तो येलो कलर के हेडशॉट देख रहे हो, येलो कलर के हेडशॉट मारता हूँ मैं। बाकी बंदे मारते हैं रेड कलर के हेडशॉट, मैं येलो कलर के हेडशॉट मारता हूँ। ओके वो शायद भाग गया वहाँ से बंदा। अच्छा जी थैंक यू भाई। ये मुझे पहला मतलब कि बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा बंदा मिला जो मरने के बाद खुश हो रहा है और इसने ऐसे वाला इमोजी भेजा। इमोजी देखा था वो, एक बार वीडियो को बैक करके इमोजी देखो वो जो उसने भेजा, मतलब बहुत दिनों के बाद किसी ने भेजा, मतलब कोई भेजता ही नहीं किसी को, मार देता हूँ तो और लाइक उसी तरह के नाराज़ होने वाले इमोजी भेजते, मैं भी नाराज़ होने वाले भेजता नहीं मुझे इमोजी वगैरह। ओके भाई आ जा, चलो येलो कलर के हेडशॉट में ये भी गया। मैडी मार ली थी इसने फुल, बट हमारे हेडशॉट के सामने कौन बचेगा। जोन कवर कर लेते हैं बट हाँ चलो भीमा शक्ति होते हुए उनमें चलेंगे, भीमा शक्ति पे बंदे होंगे पक्का। अरे ये वाली पेटी फिर से किसी ने खोल ली। चलो अभी यहाँ पे चलते हैं और इन इसकी भी धुलाई करते हैं, लूट करने में व्यस्त होगा तो हम चुपके से जाते हैं, चुपके से इसको मार देंगे। वाह मिलना, शिकार सामने बैठा है, लग नहीं रहा भाई। फायरिंग की साउंड आने के बाद भी अगर तुम ग्लू वॉल नहीं लगाते ना तो सबसे बड़े गधे हो इसकी तरह। अभी देखो मुझे फायरिंग की साउंड आ रही है और यहाँ से मुझे पड़ सकती है तुरंत ग्लू। शिकार ले लेते हैं 3 लेवल की और बंदा आ चुका है, मुझे फुटस्टेप्स आ गए हैं, बंदा मेरे पास ही है। MP5 पकड़ लेते हैं और आ जा भाई, अंदर चला गया ओरियन। अच्छा अच्छा जी आ जाओ ओरियन बन जाओ, तुम लोग ये कर लो पहले, हम तो बाद में मार लेंगे तुमको, पहले तुम ओरियन बन जाओ। आ जा। कहाँ बचेगा यार, हेडशॉट गया, बहुत बढ़िया हेडशॉट लगा। ओके अभी जोन में निकलते हैं क्योंकि जोन बहुत दूर में बन रहा है यार, एक मिनट मार के जोन में निकलते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं। राइट में एयर ड्रॉप लूट कर रहा है बंदा, उसको मारने बाद में जाएंगे, हमारे पास लॉन्च पैड नहीं है, जल्दी से जोन में चलते हैं। फाइनली हम लोग जोन में आ चुके हैं और अभी देखो उस बंदे को देखते हैं, ट्राई करते हैं मार पाएंगे क्या उसको, और भी मार रहा है बंदा। और अरे यहाँ पे गाड़ी लेके भी कोई आया है, गाड़ी लेके कोई आया है, गाड़ी ऐसे कौन पार्क करता है, दीवार में लड़का के पार्क करनी चाहिए। ओह इसको किसी ने मार दिया शायद, इसको किसी ने निपटा दिया यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, जोन की तरफ जाते हैं और पीछे भी आगे भी बंदे हैं शायद, और पीछे भी हमारे बंदे हैं, हम लोग बीच में ऐसे ऐसे तो मैं बीच में फंस जाता हूँ यार, क्योंकि वो देखो पीछे वाला बंदा थोड़ा सा वो हेडशॉट लगा बट पीछे से मार रहा है कोई। अरे भाई ऐसी सिचुएशन में फंस जाना तो सही बताऊँ तो जोन आने में, जोन श्रिंक होने स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में फंसने के बाद सबसे पहले जोन लेनी चाहिए, जोन में निकलता हूँ मैं। बढ़िया आइडिया यही है क्योंकि अगर जोन में एक बार फंस गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है पूरे। चलो जोन में आ चुके हैं, अभी से जोन की साइड चलते हैं और यहाँ पे राइट में भी बंदे हैं और सामने भी एक बंदा है, इसको थोड़ा सा बढ़िया डैमेज दिया है बट बच गया बंदा, कवर में चला गया। इसको ऊपर से भी कोई मार रहा है शायद, ऊपर से मुझे फायरिंग का साउंड आ रहा है, ऊपर से भी इसको कोई शायद धो रहा है। अभी देखते हैं भाई आ जा सामने, अरे भाई रुक जाना, अरे ग्लू भी नहीं लगती यार यहाँ पे। चलो उसके मुंह के आगे ग्लू वो लगा लेते हैं ताकि वो हम लोगों को ना मार पाए, एक बार पर निकलना पड़ेगा उसको। आ जा भैया, चलो येलो कलर के हेडशॉट में गया ये भी, ऊपर वाला बहुत तंग कर रहा है, बहुत गंदा डैमेज दे रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है। चलो अभी मुझे लूट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरे पास बहुत ओपी लूट है, पीछे भी बंदे हैं जहाँ से अभी अभी फाइट करके आ रहा हूँ, 5 बंदे अलाइव हैं, क्या हम बुया निकाल पाएंगे। जो भी होगा 7 किल हो चुके हैं, बढ़िया अच्छा खासा प्लस लगने वाला है, अगर मैं लास्ट जोन तक और सर्वाइव कर लेता हूँ तो और भी ज़्यादा प्लस लगेगा मेरा। अरे यार भाई ये पीछे वाला बहुत तंग करता है यार, इसको तो दिखाई भी तो नहीं दे रहा है ना, कहाँ पे छुप के बैठा है नोबड़ा साला, अगर पता चल जाए ना कहाँ पे छुप के बैठा है पक्का भी जाके मार दूँ इसको मैं। बट उसके पास हाइट का बेनिफिट है तो हम लोगों को पीछे जाना चाहिए, थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग लगा लेना चाहिए कि भाई यहाँ पीछे चलना ज़रूरी है। अभी देखो यहाँ पे मैं कवर में आ चुका हूँ और यहाँ से अभी देखते हैं बंदा कहाँ पे है, ये देखो वो रहा। डैमेज तो थोड़ा बहुत दिया है बट
चलो नॉक हो गया और इस लाइन होगा उसके पास, बट शायद ही बच पाएगा क्योंकि जॉन बहुत तगड़ा काटेगा उसको। वो मुझे किल नहीं देना चाहता यार। चलो लॉन्चर मार देते हैं एक वहाँ पे, फिर कार से मारते हैं। ए भाई हॉरिज लाइन से बच के भी फिर से दोबारा मर गया बंदा, मुझे किल नहीं दिया यार। ठीक है, कितना गंदा आदमी है। ओके यहाँ पे पीछे भी बंदे हो सकते हैं, तो हम लोगों को शायद पहले पीछे ही देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग फाइट लेने सेफ जोन में चले गए और फिर पीछे से पड़ी तो गड़बड़ हो जाएगी। जोन भी अभी ज़्यादा दूर नहीं है, बट गंदा काटेगा अगर फंस गए तो। सामने में एक बंदा है और रुक जा यार, कितना मारेगा भाई, क्या करेगा इतना मार के, अजीब आदमी है तू। ये बढ़िया सीन है यार, मतलब कि दो गोली मारो, बंदे ने गोली लगा ली तो वहाँ से भाग जाओ, क्या करेगा इतना सर्वाइव करके भाई। दो बंदे बचे हुए हैं ये इसके ऊपर, तो पहले बवासीर का पाउडर फेंक देता हूँ, लिक्विड है टाइप का, नेट भी कर देते हैं, बढ़िया ग्लू और बूट। नेट से किला है यार, देखो आगे ही होगा बंदा शायद। अरे भाई पीछे, अरे अरे हुल्स लेने, बचाऊंगा। आ रहा है बंदा, बच भी सकता हूँ। अरे बढ़िया बच गया। अरे हेल्थ बहुत कम है भाई, मत मत मार यार, क्या करेगा, क्यों मार रहा है इतना। अरे भाई भाई प्लीज़ प्लीज़।